जुड़वा बहने। मिर्जापुर नगर में विक्रम नाम का एक राजा रहता था। उनकी दो जुड़वा बेटियां थी, सीता और गीता। एक दिन अचानक गीता कहीं गायब हो गई और पूरे राज्य महल में अफरा तफरी मच गई। सभी गीता को ढूंढने में लग गए, लेकिन गीता का कुछ पता नहीं चला। आखिर में सभी ने गीता के मिलने की आस छोड़ दी। उसके बाद सीता राजमहल में सभी सुख सुविधाओं के साथ बड़ी होती है और गीता एक गरीब घर में, जहां सीता के पास गहने, सुंदर कपड़े, सभी सुविधाएं होती है, वहीं गीता के पास गुजारा करने के भी पैसे नहीं होते। सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। एक दिन गीता की माँ उससे कहती है, बेटी तुम मुझे एक पेड़ के नीचे मिली थी और मैं तुम्हें अपने इस गरीब घर में ले आई और तुम्हें कुछ नहीं दे पाई सिवाय इस गरीबी के। माँ, मैं जो आज जिंदा हूँ वो बस आपकी वजह से हूँ और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। आप ऐसी बातें मत करो। बेटी, आज राजकुमारी का जन्मदिन है और राजमहल में बहुत बड़ा जश्न है। शायद आज वहाँ हमें कुछ काम मिल जाए। हाँ माँ, आप घर पर ही रुको, मैं जाकर देखती हूँ। इधर राजा अपने मंत्री से कहता है, काश गीता आज हमारे साथ होती। महाराज, क्या हम दोबारा राजकुमारी गीता को ढूंढने का प्रयास करें? नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। कितने साल हो गए गीता का कोई पता नहीं चला। पता नहीं गीता इस दुनिया में है भी या नहीं। महाराज ऐसा मत बोलिए, राजकुमारी गीता हमें जरूर मिलेगी। काश तुम्हारी बात सच हो जाए, मुझे मेरी बेटी आज मिल जाए। सुनो, तुम जाओ और आज के जश्न की सारी तैयारियां करो। जी महाराज। तभी राजकुमारी सीता के रूम में उसकी दासी बहुत सुंदर कपड़े और गहने लेकर आती है और बोलती है, राजकुमारी ये कपड़े और गहने आज के जश्न के लिए आपके लिए मंगवाए गए हैं। ठीक है, मैं इन्हें पहन लूंगी। क्या आपको ये कपड़े और गहने पसंद नहीं आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये कपड़े और गहने बहुत सुंदर है। हर साल मेरे जन्मदिन में कितना बड़ा उत्सव होता है, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। राजकुमारी, फिर आज आप खुश क्यों नहीं है? आज मेरी बहन गीता का भी जन्मदिन है। यहाँ हर साल मेरे जन्मदिन में महोत्सव होता है, जिस पर गीता का भी हक था। ना जाने वो कहाँ है, काश वो हमारे साथ होती तो हम हर साल साथ में अपना जन्मदिन मनाते। राजकुमारी सीता, आप कपड़े और गहने पहनकर तैयार हो जाइए, आज के दिन दुखी मत होइए। ठीक है। राजकुमारी सीता तैयार हो जाती है और इधर सभी गरीब लोग काम के लिए लाइन में लगे होते हैं। लाइन में लगा एक गरीब व्यक्ति कहता है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया, आप कृपया कर मुझे काम दे दीजिए। हाँ हाँ, काम सबको मिलेगा, बस यहाँ अपना नाम और पता लिखवा दो। फिर सभी अपना अपना पता लिखवाकर महल के अंदर चले जाते हैं। उन सभी लोगों के बीच गीता भी होती है। गीता जब अंदर रसोई में काम कर रही होती है, तब उससे एक औरत बोलती है, क्या तुमने राजकुमारी को देखा? सुना है वो बहुत सुंदर है। नहीं, मैंने नहीं देखा। तभी गीता के हाथ से एक गिलास गिरकर टूट जाता है और मंत्री वहां आकर गीता को डांटने लगता है। तभी वहां राजा भी आ जाता है। ये क्या कर दिया तुमने, नुकसान कर दिया, तुम्हें मालूम भी है इसकी कीमत क्या है? महाराज देखा आपने, मैं इसीलिए इन लोगों को काम पर नहीं रखना चाहता, ये लोग किसी काम के नहीं होते। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, गलती से ये गिलास मेरे हाथ से छूट गया और टूट गया। राजा हैरान होकर गीता को देख रहा था। वो गीता से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज गीता। मंत्री सुना तुमने, ये गीता है मेरी बेटी गीता, जो आज से 15 साल पहले खो गई थी और हमें नहीं मिली थी। आप सही कह रहे हैं महाराज, ये तो हमारी गीता बिटिया है। आप लोग ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी तुम मेरी बेटी गीता हो, तुम बचपन में खो गई थी, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिली, तुम आज खुद यहाँ आई हो। तुम कहाँ रहती थी, तुम्हें किसने पाला है? मुझे मेरी माँ ने पाला है। मुझे उनसे मिलना है, क्या तुम मुझे वहाँ लेकर चल सकती हो? गीता राजा को अपनी माँ के पास लेकर जाती है।
राजा गीता की माँ से बोलता है, आपका शुक्रिया, आपने इतने सालों तक मेरी बेटी का देखभाल किया। महाराज, गीता मेरी भी बेटी है और आज मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी एक राजकुमारी है। आप भी अब हमारे साथ महल में रहेंगी, सीता और गीता की देखभाल करेंगी। महाराज, इसमें मेरी भी खुशी है। राजा अपने बेटी और उसकी माँ को लेकर अपने महल चला जाता है और मंत्री से बोलता है, इनके रहने की व्यवस्था करो, आज से ये इसी महल में रहेगी। फिर वो सभी एक साथ खुशी खुशी राजमहल में रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको जुड़वा बहनों की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।